हेलो बच्चों, माय यूट्यूब चैनल जे टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम, ठीक है, चैप्टर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का। इस जीरो रेशनल नंबर कैन बी राइट इन द पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बोल रहा है कि जीरो रेशनल नंबर होता है या नहीं, तो ठीक है उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखोगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द p बाई क्यू, ठीक है, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो 0.1, 0.2, 0.3 आर द रेशनल्स। जबकि क्या यहाँ पर बोला है नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू जीरो, q के पहले जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले हेयर लिखना 3। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो जो जितना बोलेगा उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे। यदि 6 बोला तो 6 प्लस 1 कितना होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 7। अब 7 के टेबल 3 बार पढ़ो, 7 3 21 21 दोनों पे लिख देना, ठीक है। एंड इसी तरह क्या सेकंड नंबर क्या था 4, तो 6 रेशनल नंबर था 6 प्लस 1, 7, 7 का टेबल 4 बार पढ़ो 28 28, तो 21 और 28 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा ना। तो सिंस द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर, देखो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है, इस तरह निकालेंगे। जस्ट 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर, 3/5 एंड 4/5, सिंपल सी है। तो इसमें भी क्या कर दो, देखो इस तरह का ये अपॉन दे रहा है, यदि डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधे 10 का इंटू कर दो दोनों में, ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 3 10 30, 5 10 50 एंड 4/5, तो इसमें भी 10 का इंटू कर दो, कितना आएगा 40, और इसका इसमें करेंगे तो 50, 30 और 40 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकल जाएगा, हाँ निकलेगा ना। द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर, तो देखो 30 के बाद क्या आता है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे हम रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है बाबू। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे स्टेट्स बताना ट्रू या फॉल्स, क्या बताना है ट्रू या फॉल्स है। देखो बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ट्रू होगा। देखो ट्रू एज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड जीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स होल नंबर हो सकता है, नहीं होता, एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होता है वो क्या होगा, ठीक है समझ में आ रहा है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि आर जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो होल नंबर में नहीं आता, होल नंबर में केवल पॉजिटिव आता है, जबकि इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, ठीक है, इसलिए फॉल्स होगा। यहाँ बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स। रेशनल नंबर जो होता है क्या होता है, लाइक 3/5, 2/3, मतलब होलसम के अपॉन में, अपॉन के रूप में आएगा, ठीक, कैसे आएगा अपॉन, जैसे 1/2, 1/3 इस तरह का, और नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें।